শিবমন্দির খহি নজনের মৃত্যু। ধারাসার বরষুণত খহি পড়িল শিবমন্দির। প্রতিকূল বতৰৰ বাবে হিমাচল প্ৰদেশত বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত প্ৰাণ গল প্ৰায় ষোল্লজনকৈ লোকৰ। সোমবাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ শিমলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এটা শিৱ মন্দিৰ খহি পৰাৰ ফলত নজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চামাৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ মন্দিৰত ভূমিস্খলনত বাৰজনতকৈও অধিক লোক আৱদ্ধ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু এছ টি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰোপৰি চুলান জিলাৰ জাদন গাঁৱত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত এটা পৰিয়ালৰ সাতজনকৈ লোক নিহত হয়। দেওবাৰে নিশা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত দুটাকৈ ঘৰো ধ্বংস হৈ যায়। দুৰ্ঘটনাটোত ছজন লোক ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সিখুৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। ৰাজ্যখনত বিগত কেইটামান দিনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত মৃত্যু হোৱাসকলৰ প্ৰতি সমবেদনা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। सुबह 6 बजे जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी, 21 मौतों की हमारे पुष्टि हो चुकी है और काफी लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन इस शिव मंदिर में जो शिमला के नजदीक एच यूनिवर्सिटी के नजदीक है, आज सावन के अंतिम सोमवार का दिन था, काफी लोग शिवलिंग में अपने जल को चढ़ाने आते हैं। मुझे लगता है कि 20-22 जिंदगियां और दबी होने की संभावना है। प्रयास ये है कि हमने आर्मी को बुला लिया है, एसडीआरएफ को बुला लिया है, एनडीआरएफ को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफी नुकसान पहुंचाया है। पिछली बार की आपदा में हमारे संपत्ति और संपदा को नुकसान हुआ था, इस बार की आपदा में काफी जिंदगियां हमको छोड़कर चली गई है। शाम तक पूरा आंकड़ा हम बता सकते हैं। खतरा अभी भी बना हुआ है, पूरे राज्य में किस तरह से हालात? कल हमारे आजादी का दिवस है, मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा है कि सबसे पहले इस आपदा और इस कहर से निपटे, और इस दृष्टि से मैंने अपना जो कार्यक्रम है, जो मंडी में मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी है। मनाली मैंने आज जाना है, पर मैं पहले यहाँ जो लोगों की जिंदगियां फंसी है उनको मॉनिटर करने के बाद, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के बाद ही आगे का कार्यक्रम बनाऊंगा। 15 अगस्त के जितने भी कार्यक्रम, क्या वो स्थगित किए जाएंगे? नहीं, अभी देखिए आजादी का दिवस है, उसको स्थगित नहीं किया जाता। हम इस चुनौती का सामना भी करेंगे और उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमें देश की गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाई है, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले जीवन बचाना अभी मकसद है। अभी 15 दिवस के लिए हमारे पास 18 घंटे हैं, पहले उन जीवन को बचाएंगे और 15 दिवस को भी हम वो झंडा फहराएंगे। বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখা হৈছে। প্ৰায় 48 ঘণ্টা ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ আছে ৰাজ্যখনত, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভূমিস্খলন, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আদিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।